जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मेरा नाम राणा मोहम्मद अरशद है पतोकी से। जी हम वीडियो बना रहे हैं हाई डिनेस्टी पे, जो बाग लगाते हैं भाई, हाई डिनेस्टी पे वाया कितना होना चाहिए और पौधे को किस तरीके से लगाना चाहिए और किस वक्त लगाना चाहिए और एक एकड़ में पौधा कितना लगाना चाहिए और पौधे की जो कंडीशन है, पौधा हाई डिनेस्टी पे किस तरह लगा के और किस तरह उसको रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। ये हाई डिनेस्टी पे बाग लगाया तकरीबन ये 1000 पौधा है। इसकी तुम कंडीशन वीडियो में देखो कि ये वैरायटी तो बहुत अच्छी है, सदाबहार है, रूट ये देखें इसका। लेकिन इसका मकसद लगाने का तरीका नहीं ठीक है। ये देखें, इसकी एक स्टिक होनी चाहिए थी इस तरह, यहां से इसकी कनोपी बननी चाहिए थी यहां से, और ये अपना फ्रूट जमीन पे गिरा रहा है। ये देखें, और आपस में ये देखें, ये आपस में मिल चुका है जी। इसका फ्रूट बहुत अच्छा है, सदाबहार चैनी गोला है, ये फ्रूट इसे बहुत ज़्यादा आता है और साल में 2 दफ़ा आता है तकरीबन। ये फ्रूट इसके ऊपर ही रहता है, लेकिन इसको मकसद थोड़ा सा ये तरीका इनका गलत है लगाने का। ये देखें, ये शाखें ज़मीन पर गिर रही हैं, ये देखें, और इसका जो वाया खुद देख लें वीडियो में। लो भाई कॉल करते हैं, उसने लगा दिया। ये वाया देखें, ये 8x5 पे है, 8x5 पे, और बाग आपस में ये मिल चुका है। इसकी 2 प्रूनिंग पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका वाया जो सबसे अच्छा वाया 10x10 है। कोई भी आप बाग लगाना चाहते हैं 10 से कम ना आए, 10x10 पे एक एकड़ में 400 पौधा है, ये तकरीबन 1000 पौधा है ये वाला 8x5 पे। हम बताएंगे कि किस तरह लगाना चाहिए बाग। और ये देखें, ये जो अमरूद का तना है इसको तकरीबन 3 फुट तक ये एक शाख भी नहीं होनी चाहिए ये वाली, फिर अपनी ये जान पे खड़ा रहेगा, अपनी ताकत पे खड़ा रहेगा। और इसके बाद अगर इसकी प्रूनिंग करें, कुछ भी करें, तो फ्रूट जमीन पे नहीं आएगा। ये शाखें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये इसके जंगल बनने की वजह यही है। ये देखे ना, 1 फुट, ये देखे तकरीबन 1 फुट पे ही शाखें गिरा, ज्यादा कनोपी बना दी। इसका वाया तकरीबन 3 फुट होना चाहिए, 3 फुट, और इसे हवा भी नहीं मिल रही। ये देखो, हाई डिनेस्टी का सभी मतलब जानना चाहिए ना, हाई डिनेस्टी पे चीज लगानी किस तरीके से है, ये मकसद है। ये देखे, ये देखे जंगल की शक्ल में आई इस वक्त, और वैरायटी बहुत अच्छी है, फ्रूट इसे देखे बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हाई डिनेस्टी का मतलब है वो पूरा नहीं है, वो तरीकाकार नहीं है जिस तरह इसे लगाना चाहिए। इसके 3 फुट तक नीचे से स्टिक खाली होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई शाख नहीं होनी चाहिए, उसके बाद फिर ये शाखें बढ़ाए और अपनी जान पे, अपनी ताकत पे पौधा खड़ा रहे, तो फिर ऐसे ये जंगल नहीं बनेगा। ये देखें ना, ये देखें, ये जंगल बन चुका है, ये देखें, ये इसका कंडीशन है, ये देखें, इसमें से गुजरना बहुत मुश्किल है। इसके इसमें फ्रूट का कोई मकसद नहीं, फ्रूट पौधे को आएगा लेकिन वो फ्रूट भी खूबसूरत नहीं होगा और पौधा भी सेहतमंद नहीं होगा।
अगर इस तरह हाई डेंसिटी पे बाग लगाएं तो फ्रूट तो जमीन पे इसे स्प्रे कैसे होगी, ये देखें, ये इसका वाय का आप खुद चेक कर लें क्या कंडीशन है। इस तरीके से इसमें से गुजरना बहुत मुश्किल है और इसका जो वाया है वो 10x10x लगाना चाहिए, इससे ज्यादा पौधा नहीं लगाना चाहिए। ये तुम खुद देख लो कि इसकी कंडीशन क्या है, इसको स्प्रे भी बहुत मुश्किल से होगी और जमीन पे जब भी फ्रूट आएगा वो फ्रूट भी खराब होगा, उसका कोई फायदा नहीं। 10x10 पे आप लगाएं और तने से 3 फुट तक उसकी स्टिक होनी चाहिए, उसके बाद फिर 6 से 7 फुट उसकी लंबाई होनी चाहिए, फिर उसकी चारों तरफ से कटाई होनी चाहिए और फिर रास्ता भी मिलेगा, हवा भी मिलेगी और धूप भी, हर पौधे के ऊपर रोशनाई मिलेगी पौधे को, तो फिर ही हाई डेंसिटी ज्यादा देर चलेगी। अगर हम देख के किसी को देख के ज्यादा से ज्यादा लगाते जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, वो 3 साल या हद 4 साल के बाद वो बाग नाकाम होता है, उसका कोई फायदा नहीं है। 10x10 पे लगाना चाहिए, वो बाग किसी चीज का भी हो तो वो बहुत अच्छा रहता है, इससे कम कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर पौधा अच्छे तरीके से लगाया नहीं लगाएंगे तो जब ज्यादा शाखें होगी तो फ्रूट जमीन पे होगा, ये देखें, तो स्प्रे करनी बहुत मुश्किल होगी, गुजरना बहुत मुश्किल है, स्प्रे कैसे होगी, और फ्रूट जब भी जमीन पे आएगा तो फ्रूट बेकार होगा, खत्म हो जाएगा। पौधे को लगाने का तरीका हाई डेंसिटी पे किस तरह लगाना चाहिए और उसका वाया कितना होना चाहिए, बाकी ज्यादा उम्र फिर ही होगी अगर उसे 10x10 पे लगाएंगे, धूप और रोशनाई हवा ये चीजें मिलेंगी, फ्रूट उसके ऊपर भी इतना ही होगा। फ्रूट 10x10 पे अगर लगाते हैं तो इससे भी अगर 10x10 पे लगाएं तो हो सकता है इस ये 1000 है उसका फ्रूट इससे ज्यादा हो और सेहतमंद भी हो। स्प्रे करना, खाद देना या गुजरना, फ्रूट तोड़ना, कुछ भी करना तो फिर ही अच्छा रहेगा। अगर इस तरीके से हम लगाएंगे तो वो जंगल की शक्ल है, ये तो इस तरह नहीं लगाना चाहिए। 10x10 लगाना चाहिए और जो स्टिक है नीचे से 3 फुट का तना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर कनोपी फिर बाद में बननी चाहिए, फिर उसका 8 फुट उसकी लंबाई होनी चाहिए, तो फिर चारों तरफ से उसकी यहाँ से इस तरीके से प्रूनिंग करनी चाहिए। सदाबहार का मतलब ये है, ये फ्रूट भी इसके ऊपर है, ये नया आ रहा है, जब शाख आएगी नया फ्रूट आएगा, इसकी प्रूनिंग करेंगे तो फ्रूट फिर ये नीचे चला जाएगा, नीचे ये शाख पे, जब ये शुरू स्टार्टिंग में ये सभी फ्रूट दिया है इस शाखों में, स्टार्ट में ये स्टार्ट देती है ये फ्रूट। अगर हम यहां से कटाई करेंगे, ये तने से जो शाख निकलेगी फ्रूट वो फिर देगी, अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे से पौधा खत्म होगा और उसके जो कोम्पल है आगे शाख है उस पे सिर्फ फ्रूट होगा और इसका लगाने का तरीका अच्छा नहीं है, इसलिए ये गिर रहा है। अगर इसका तना होता है तकरीबन 3 फुट का तो ये फिर अपनी जान पे ताकत पे फिर ये खड़ा रहता है और इसके अंदर से हवा नहीं गुजर रही नीचे से, इसका जंगल बनने का मकसद यही है। अगर हम बैठ के नजर मारें तो 1 एकड़ में तकरीबन हमारी नजर 2 एकड़ तक जानी चाहिए नीचे से, तो फिर उसे कहते हैं हाई डेंसिटी, ये हाई डेंसिटी नहीं है, ये तो बस देखो देख लगा दिया, तो फिर इसका आगे मतलब आगे बाग चलाने का किसी को नहीं पता कि आगे किस तरह चलाएंगे। अगर आपने इसे ज्यादा लगा दिया है, जिन भाइयों ने लगा दिया है, तो वो ऐसा करें कि जैसे ये 1x8x8 पे है तो एक शाख एक जो लाइन है उसकी प्रूनिंग करें, उसकी प्रूनिंग करें तो एक शाख से गर्मी का फ्रूट लें और दूसरी जो लाइन है उस पे गर्मी का एक सर्दी पर,
स्टेप बाय स्टेप पे बदल के अगर फ्रूट लेंगे रास्ता भी बनता रहेगा और फिर बाग ये 4-5 साल ज्यादा देर चल जाएगा, लेकिन ज्यादा देर ये नहीं चलेगा। ये वो तरीका है, अगर किसी ने लगा लिया तो यही तरीका है कि अगर एक लाइन की कटाई करें वो सर्दी का फ्रूट दे और फिर वो दूसरी लाइन की करें वो गर्मी का फ्रूट दे। इस तरीके से ये चल सकता है। अगर ये जंगल बन गया इस तरीके से और नीचे से पौधे का लगाने का तरीका भी नहीं किसी ने बताया किस तरह लगाना चाहिए, तो एक दूसरे को देख देख के लगाना है, तो ये 2-5 साल तक इसकी लाइफ है। इसके बाद ये बाग खत्म करना पड़ेगा या एक एक लाइन इसके ये लाइन निकालनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर यह बेहतर तरीका यही है कि आप 10x10 पे लगाएं और उसकी स्टार्टिंग से जो उसका तना है वो तना जो 3 फुट होना चाहिए उसके ऊपर फिर कनोपी और हवा गुजरनी चाहिए और रास्ता होना चाहिए, फ्रूट इतना ही होगा। फ्रूट का मकसद नहीं है कि ज्यादा पौधा लगाएं कि ज्यादा फ्रूट हो, फ्रूट बाग में ज्यादा आमदन होगी, वो तरीका बिल्कुल गलत है। ये देखें, आप खुद देख सकते हैं, कोई बाग आप किसी देखा होगा वो कटाई करके बहुत अच्छे तरीके से लगाया होगा और 2200-1800 तो कपास का पौधा होता है एक एकड़ में, तो हम दरख्त लगा रहे हैं, बाग लगा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर 10x10 पे भी लगाएं उसका फ्रूट भी आप अंदाजा कर लें और जो इस तरह जंगल बनाने हैं उसका भी अंदाजा कर लें कि उसके ऊपर फ्रूट कितना होगा। उसके चारों तरफ फ्रूट होगा, इसके चारों तरफ नहीं है। जो ये 8 फुट का फासला था इसके ऊपर तो ये शाखों पर फ्रूट है, जो शाखें पौधे की तरफ जा रही हैं जिधर रास्ता नहीं है वो उसके ऊपर फ्रूट नहीं है। फ्रूट उसी शाख पे है जो ये वाय में आई थी 8 फुट के, इसके ऊपर है बस। दूसरा इसके ऊपर ऐसे नहीं लगाना चाहिए, मशवरा कर लेना चाहिए, मशवरे से ही लगाना चाहिए। तो फिर अगर आप मशवरे से लगाएंगे तो फ्रूट ज्यादा देर तक चलेगा, बाग ज्यादा देर तक चलेगा। इसे सबसे ज्यादा फंगस का खतरा है क्योंकि इसमें रशनाई, सिर्फ रशनाई बाग पे है लेकिन स्टिक पे और जमीन पे रशनाई नहीं है। इस पे इसको ज्यादा खतरा फंगस का है, नमी की वजह से फंगस होगी, तो इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए। जब भी बाग लगाना तो मशवरा करना चाहिए, किसी चीज का भी अगर आप बाग लगाते हैं तो मशवरा करना चाहिए, मशवरे से ही लगाना चाहिए, तो ऐसे नहीं लगाना चाहिए। मशवरे के लिए आप कॉल कर सकते हैं जिस वक्त मर्जी करें कॉल। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। तो आप किसी चीज का भी बाग लगाएं तो मशवरा कर लेना चाहिए।